नमस्कार नमस्कार रचित जी, मैं आपका नए पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से आपने पिछले चार टॉपिक में जो कंसिस्टेंटली इतना जबरदस्त कंटेंट दिए हमारी ऑडियंस के लिए, उसे मद्देनजर रखते हुए, लोगों के इतना उत्साह देखते हुए, इतना प्यार देखते हुए, वो चाह रहे हैं कि आप और भी उनको कॉन्टेंट देते जाए, जिससे उनकी चाह और राह एक अच्छी बनती जाए मार्केट के प्रति। जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, उस हिसाब से लोगों को थोड़ा थोड़ा बाहर जाने का रुझान भी बना हुआ है, बट आप जैसे लोगों के कारण लोगों में एक उत्साह हमेशा बना रहता है कि भाई नई चीज हम सीखेंगे तभी तो हम एक रिवोल्यूशनरी चीजों को खरीद पाएंगे जो कि उनकी एक वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटी में हेल्पफुल होगी। तो रचित जी, आज क्या लेकर आए हैं और ऐसी क्या चीजों में हम चर्चा करने वाले हैं जो कि एक ऑडियंस को एक और ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे उनका भविष्य इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी में काफी अच्छा हो सकता है। अंकुर जी नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वापस बुलाया। और पिछले कुछ समय से जो मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उसके कारण से मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया, उसके लिए मैं बहुत माफी चाहूंगा आपसे भी और दर्शकों से भी। बट हाँ, देखिए एक चीज है कि अभी जो आपने एक बात बोली वो बहुत वैलिड लगी मुझे कि मार्केट के कुछ अभी कंडीशन ऐसी चल रही है जिससे इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी है वो कुछ हद तक मार्केट से उनका रुझान जो है वो दूसरी जगह, दूसरे एसेट क्लासेस में जाता जा रहा है। एंड टू सम एक्सटेंट आप देखें, इसमें हम उनको गलत ठहरा भी नहीं सकते, बिकॉज फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पिछले एक क्वार्टर अब हम देख लें, जनवरी मतलब दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी फरवरी और आज आपका मार्च भी खत्म होने जा रहा है। द वे मार्केट्स आर परफॉर्मिंग, कभी कभार बहुत रेंज बाउंड हो रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली बिकॉज देर आर पीपल लाइक अस जो हम लोग बहुत ज्यादा मार्केट को डेली बेसिस पे देखते हैं और थोड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और फिर एक क्वार्टर अगर आप मान के चले नियर अबाउट 60-65 ट्रेडिंग सेशंस अगर मार्केट नहीं प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है तो जरूर ऐसा लगता है कि शायद हमारा डिसीजन ही गलत हो गया और मार्केट तो शायद अब क्या रिटर्न देगा और इकोनॉमी कैसे चल रही है, ये सब सवाल आते हैं। और फिर जो हमेशा की तरह होता है कि मार्केट को डीप एनालिसिस की बजाय और अपनी जो स्टोरीज आसपास चल रही होती है, जो हमारे चाचा जी मामा जी और ये सब बोलते हैं, उनकी बातों में हम बहुत ज्यादा आगे लग जाते हैं, बट रियलिटी उससे थोड़ी सी अलग होती है। हम मार्केट्स को अगर थोड़ा समझें एज अ सिस्टम, पूरा का पूरा अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो मार्केट के हर मूवमेंट को हम जस्टिफाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उसके नेचर को समझ पाएंगे। एंड आई बिलीव कि हम एक बार मार्केट के स्ट्रक्चर और नेचर को समझ लें तो चीजें बहुत बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए भी, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए भी, हमारे ट्रेडिंग पैटर्न्स के लिए भी। और उसी के चलते हम आज जो आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट की प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, तो चलिए आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली स्टॉक प्राइसिंग होती कैसे है, ये ऊपर नीचे कैसे होता है। तो अंकुश जी, इसमें आप अगर इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझें तो स्टॉक एक एसेट होता है और हर एसेट की वैल्यू जो होती है वो एक सेंटिमेंट से डिराइव होती है। मतलब ऐसे कि एक कोई भी, अगर आप इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में समझें तो आज आपके शहर में कोई एक नया गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है या कोई मल्टीप्लेक्स आता है कहीं, या कहीं किसी एरिया में एक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस एरिया में उस डेवलपमेंट के अनाउंसमेंट मात्र से ही वहां की रियल एस्टेट प्राइसिंग ऊपर जाने लग जाती है, क्योंकि लोगों का उस तरफ डिमांड आने लग जाता है, लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अगर इन्वेस्ट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट से उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और वो जो डिमांड जनरेट होती है उस डिमांड को देखते हुए वहां की प्राइस हाइक होने लग जाती है। तो अगर इसको समझे तो ये एक होता है सेंटिमेंट ऑफ ग्रीड। आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर प्राइस हाइक होगा, वो सेंटिमेंट बन गया, पैसा कमाने की ग्रीड है, वहां पे आप बाय करेंगे, प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सिमिलरली इसका अगर हम रिवर्स एक्शन देखें कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा अनाउंसमेंट आता है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए जो वहां को डैम्पन कर सकता है, तो फिर वहां पे लोग सेलिंग करने लग जाते हैं, औने पौने दामों में बेचते हैं और वो प्राइसिंग जो नीचे आ जाती है। तो मैं रचित जी आपको रोकना चाहूंगा, तो मुझे लग रहा है कि आज का टॉपिक आप ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से स्टॉक प्राइस एक इन्फ्लुएंस होता है मल्टीपल फैक्टर से, तो शायद आज के टॉपिक में आप ये कवर करना चाह रहे हैं रचित जी। और दूसरी चीज, मैं एक और चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज जैसे मार्केट इतना खतरनाक चल रहा है, लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं,
तो शायद आपका ये टॉपिक एक लोगों को समझने के लिए और उनकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को अच्छी करने के लिए कारगर साबित हो सकता है। एकदम सही समय में सही टॉपिक लेके आए रचित जी, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा पहले तो हमारी ऑडियंस की ओर से। जी रचित जी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू अंकुश जी। अब देखिए, आपके सहयोग से ही सब कुछ हो पाता है, तो जो भी कर रहे हैं वो आपके थ्रू ही सब कुछ हो रहा है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि स्टॉक प्राइसिंग, आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे मिड कैप जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं, नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, और वही अगर हम देखेंगे दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, दे वर परफॉर्मिंग। सो बेसिकली द एंटायर आइडिया इज कि जब एक सेंटिमेंट ऑफ ग्रीड होता है जो आपको ये बिलीव करने में मजबूर कर देता है कि ये जो एसेट है आपका स्टॉक, इसकी प्राइस इन फ्यूचर ऊपर जाएगी, तो आप उसमें बाइंग करते हैं, और जब पूरा सिस्टम एज अ होल उसमें बाइंग करता है तो उसकी प्राइसिंग ऊपर जाती है। बट जब एक मोमेंटली डिस्टर्बेंस आता है और उस डिस्टर्बेंस में हम देखें कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर या जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि प्राइसिंग नीचे और जा सकती है, दे स्टार्ट सेलिंग, और फिर वो सेलिंग ट्रिगर होती है तो प्राइसिंग नीचे आ जाती है। तो एक बेसिक आइडिया हम अंकुश जी समझें तो बहुत सिंपल है, डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट है इसके पीछे। जब डिमांड होती है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ सेंटिमेंटल रीजंस, द स्टॉक प्राइसेस गो अप, एंड व्हेन देयर इज अ फियर, तो फियर में सेलिंग आती है, द स्टॉक प्राइसेस गो डाउन। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर अपना तैयार हो गया, मगर इसमें भी और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी कि ये फियर और जो ग्रीड का सेंटिमेंट है ये कैसे डेवलप होता है, तो उसके बारे में हम आगे अब बात करते हैं। एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको सब, आई एम श्योर सब इस बारे में बहुत पढ़ लिए होंगे, हमारे दर्शकों को भी पता होगा। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जब भी हम किसी कंपनी या उसके स्टॉक का करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपनी किस सेक्टर में है, वो सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, कंपनी की अर्निंग किस हिसाब से है, उसके हम रेशियोज निकालते हैं अलग अलग, डिविडेंड पेमेंट कैसी कर रही है, और हर एजीएम में, हर मीटिंग में वो अपने फ्यूचर अर्निंग प्रोस्पेक्टस कैसा दिखा रहे हैं, प्रोजेक्शंस कैसा दे रहे हैं, वो पार्ट होता है एक फंडामेंटल एनालिसिस का। अब आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, बट एक सिर्फ बेसिक्स आइडिया मैं दे रहा हूं, और फिर आ जाता है दूसरा सेगमेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस। जब टेक्निकल एनालिसिस की हम बात करते हैं अंकुश जी, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस दो पर्टिकुलर पैरामीटर पे काम करता है, वन द वॉल्यूम बिल्डअप एंड टू द प्राइसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम बिल्डअप, और फिर उसके चार्टिकल पैटर्न्स जो हमारे होते हैं, अलग अलग जो हमारे कंसेप्ट्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के, वो हम ट्रिगर करते हैं और उससे हम एक प्रोजेक्शन निकालते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक डिफरेंस आप समझें, फंडामेंटल कंपनी के वर्किंग और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करता है, टेक्निकल एनालिसिस कंपनी की प्राइसिंग, वॉल्यूम बिल्डअप और एक ट्रेडिंग पैटर्न्स की बात करता है। तो ये दोनों चीजें, दो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बट स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा सा अलग होता है। टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कंपनी के वर्किंग से मुझे लेना देना नहीं है, भाव भगवान छे, मुझे प्राइसिंग पे काम करना है। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कंपनी की वर्किंग और यूजुअली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है। तो ये दो पैरामीटर्स तो होते ही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है, जिस भी हम पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसका स्टेट कैसे है, जैसे कि आपने सुना होगा और हम बहुत जगह पढ़ भी रहे हैं, जो हमारे वेटरन इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा एक ही चीज बोल रहे हैं इन दिनों कि अगर आपको इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे कॉन्फिडेंस है तो आप इन्वेस्ट करें, हाँ स्टॉक स्पेसिफिक करें, संभल के करें, बट करें। इसके पीछे का कारण क्या है कि अगर ओवरऑल कंट्री में ग्रोथ है, कंट्री की डिमांड अगर कहीं नहीं जा रही है और कंट्री हमारे जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत इजीली सस्टेन करके आगे सर्वाइव करके ग्रोथ रजिस्टर कर सकती है, तो अभी का टाइम आई बिलीव इट इज अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ऐसा लगता है तो इससे हम क्या समझें कि अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है तो डेफिनेटली उससे भी स्टॉक प्राइसिंग का फर्क पड़ता है। आज आपने देखा होगा इन द ईयर 2022 इंटरनेशनल मार्केट्स इतने ज्यादा करेक्ट करे थे,
somewhere in between 11 to 36% का correction आया था, but that was not the story with us. We sustained 2022 quite well, और हम आराम से उसको cross करते हुए गए. Similarly, अभी आपने जो US में banking problems देखी और यूरोप में banking problems देखी, हमारा banking system बहुत ज्यादा एक strong footing पे है और हम उस problem को नहीं face कर रहे, इसीलिए हमारी जो markets भी और economy भी है वो बहुत resilient है और बहुत wind है आगे growth के लिए. तो जब हमने ये pattern, ये greed समझ ली, fundamental analysis, technical analysis समझ लिया, फिर आपकी जो कंट्री की सिचुएशन है वो भी एक इम्पोर्टेंस रखती है. उसके साथ साथ अभी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उससे बहुत हद तक हमारे जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो थोड़ा सा इत्तेफाक रखेगी. गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरीके की आ रही है, अगर आप माने कि गवर्नमेंट पॉलिसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए फेवरेबल है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे PLI स्कीम्स लेकर आती है पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को एक्सपोर्ट ड्यूटी पे वेवर और ये सब करती हैं, तो उससे भी उस सेक्टर का एक सेंटिमेंटल बूस्ट तो आता ही आता है, उनके रेवेन्यू मार्जिन भी इम्प्रूव होते हैं. मगर अगर उसी के विपरीत हम लेके चले कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे अभी आपने देखा हो फ्यूचर्स की ट्रेड में STT का प्राइस हाइक हो गया, अब वो हमारी जो ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. क्यों है? क्योंकि अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि ठीक है मैंने फ्यूचर में एक सौदा किया है उसको मैं एक्स प्राइस पे किया है और एक्स प्लस इतनी परसेंटेज पे काटूंगा, थोड़ा सा ही तो पैसा बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट दैट इज एक्चुअली नॉट द वे द फ्यूचर मार्केट बिहेव्स. जो फ्यूचर मार्केट में हम लिक्विडिटी देखते हैं उसमें हम ये भूल जाते हैं कि देयर आर मेनी मार्केट मेकर्स व्हिच आर सिटिंग इन द सिस्टम. बहुत सारी प्रॉप डेस्क होती है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे बहुत नेग्लिजिबल प्रॉफिट्स में अपना जो ट्रेड है वो स्क्वायर अप करते हैं, इसीलिए हमको लिक्विडिटी मिलती है. बट अब इस STT के बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं इन टाइम टू कम आपको फ्यूचर मार्केट में वो पटरी होती हुई दिखेगी. तो देयर आर टू एग्जांपल्स, गवर्नमेंट फेवरिंग सर्टेन सेक्टर्स व्हिच इवेंचुअली विल ग्रो, तो उनके स्टॉक्स भी बढ़ेंगे. मगर अगर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्कीम नहीं है तो गवर्नमेंट की उन चेंज ऑफ पॉलिसी के कारण भी हमको मार्केट के सेंटिमेंट में, मार्केट के वॉल्यूम में कुछ एक स्टॉक्स में एक प्राइस डिस्ट्रप्शन आता हुआ दिख सकता है. तो ये आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई. फिर इसके बाद अगर हम देखें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, पॉलिटिकल सिनेरियो. अगर आपकी कंट्री में एक जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे है तो इसका मतलब ये होता है कि वो डिसीजन बहुत ज्यादा क्विकली ले सकते हैं, उन डिसीजंस का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी हो सकता है और वो इन द इकोनॉमिक सिस्टम आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन दे सकता है. अब जैसा कि हमारी करंट गवर्नमेंट जिस तरीके से नए अनाउंसमेंट्स लेकर आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स जो इस बजट में अनाउंस करी और इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने मूवमेंट देखा, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विच हैज क्लियर आइडियाज एंड दोज आइडियाज आर इवेंचुअली इवन गेटिंग इनटू एग्जीक्यूशन. So these particular policies the government are making, they are favoring the markets are going up. इसी के विपरीत position आप लेके चलें, अगर आपकी coalition government है, strong government नहीं है, decision making slow हो रहा है और development में problem आ रही है, तो वो पूरा economic setup में reflect करता है, stock market में भी reflect करता है. तो ये भी एक बहुत important factor है जिसको आपको मान के चलना चाहिए कि stock pricing और market जो पूरा एक वैल्यूएशन है उसमें गवर्नमेंट का ऐसा रोल प्ले होता है. इसके अलावा आप देखिए सेक्टोरियल पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे अभी आप देखिए कि जिस तरीके से कोविड की वापस से बात होने लग गई है, ये आपके नए इन्फ्लुएंजा वायरस आ गए हैं, वेदर चेंज इतना क्लियरली तेज हो रहा है, हम लोग बहुत बीमार भी पड़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि डायग्नोस्टिक और फार्मा सेक्टर जो है उनमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, तो वो पूरे एक सेक्टर स्पेसिफिक में आ रहा है. तो ये भी पैरामीटर होता है, अगर किसी सेक्टर के लिए कोई चीज बेनिफिशियरी होती है तो इवेंचुअली ऑल द गुड स्टॉक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर परफॉर्म. तो वो चीजें भी मद्देनजर रखते हुए हम स्टॉक प्राइसिंग को जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं. मतलब संक्षेप में अगर समझना चाहें अपन रचित जी, तो बेसिकली आप यही कहना चाहते हैं कि फंडामेंटल बेसिकली होता है वो आपको एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग हॉरिजन के हिसाब से आपको एक तैयार कर देता है कि भाई किस चीजों को आपको मद्देनजर रखते हुए एक शेयर को चुनना चाहिए
और किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो आपको हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर आपको बताते जाएगी कि आप जिस स्टॉक को खरीद के रखे वो स्टॉक आपके लिए एक वैल्यू क्रिएशन बनेगा या वैल्यू कैप्चर बनेगा। तो रचित जी, ये तो बहुत उम्दा आपने बताया है, और मेरे ख्याल से इसके अलावा आपने जो टेक्निकल एनालिसिस की बात करी है वो बेसिकली ऐसे रिटेलर्स, ऐसे ट्रेडर्स लोगों के लिए है जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छा खासा एक छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते हुए एक अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, एक अपनी कैपिटल को अच्छी मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं, सो दैट वो एक ट्रेडर और रिटेलर के जो होरिजन में आ रहे हैं आज की तारीख में, उससे वो धीरे धीरे एक इन्वेस्टर की श्रेणी में जाने के कगार पे पहुंच पाए। तो ये दो चीज तो काफी क्लैरिटी के साथ समझ में आ गए रचित जी हमारी ऑडियंस के लिए। तीसरी चीज आपने शायद मेरे ख्याल से ये कवर करने की कोशिश की है कि कौन से एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो एक स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो भी आरबीआई की पॉलिसीज आती है, ये सब चीजें कैसे प्राइस को इम्पैक्ट करती है ऑन फ्रीक्वेंटली बेसिस। तो संक्षेप में अगर मैं समझना चाहूँ तो रचित जी शायद आपने यही कोशिश की है समझाने की हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल जी जी जी, तो बहुत बहुत अच्छे से, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने समझाया रचित जी, मैं आपका इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। इसी के अलावा सर, मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि एक ऑडियंस, एक हमारी आम जनता, वो किस हिसाब से चीजों को पता लगाए कि कौन सा स्टॉक ग्रोथ स्टॉक है, कौन सा स्टॉक वैल्यू स्टॉक है? लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, तो इसके बारे में रचित जी मैं आपके तरफ से जानना चाहूंगा एकदम आसान भाषा में हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि वो हमेशा जिंदगी भर याद रखे कि भाई ग्रोथ स्टॉक क्या होता है, वैल्यू स्टॉक क्या होता है। जी बिल्कुल अंकुश जी, बहुत ही आप सही तरीके से दूसरे पैरामीटर पे चले गए हैं, बिकॉज फ्रेंकली जब हम स्टॉक वैल्यूएशन की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट में जब स्टॉक वैल्यूएशन की बात होती है, तो ये जो दो ब्रांच है जो आपने अभी निकाली है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंस रखती है। हम पढ़ते हैं इसके बारे में, बट बहुत लोग इस बारे में बहुत क्लियरली समझ नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो इसको ऐसे ही समझे अंकुश जी कि हम नाम से ही डेरिवेशन निकालेंगे इसका, ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक। तो जो ग्रोथ स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो ये वो पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि आपको मल्टीपल फोल्ड्स कैपिटल एप्रिसिएशन की जहां बात हो, तो उन स्टॉक्स को हम बोलते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। अब इसको ये तो समझ में आ गया कि हम कैपिटल एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, बट और क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हमको एक ग्रोथ स्टॉक को बता सके कि ये ग्रोथ स्टॉक्स है? तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझें कि ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी जो अर्निंग्स होती है, वो अर्निंग्स बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही होती हैं, उनमें आपको बहुत अच्छा उछाल दिख रहा होता है, और वो अर्निंग्स का एक और पैरामीटर ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो अर्निंग्स में से डिविडेंड पे आउट पे बहुत स्ट्रॉन्ग अपना नहीं इंटरेस्ट रखते हैं, वो डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट कर देते हैं। दीज आर द स्टॉक्स ऑफ दोस पर्टिकुलर कंपनीज विच हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव इन देयर बिजनेस, और वो जो बिजनेस मॉडल भी है जिसमें वो है, वो बिजनेस भी आप देखेंगे कि अपने जो सेक्टर है जिस उसमें है, वो सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसमें एक और चीज देखने वाली ये भी है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो होनी ही चाहिए, बट उनकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी हायर साइड होती है। इन कंपैरिजन अगर हम देखें वैल्यू स्टॉक के कंपैरिजन में, तो ग्रोथ स्टॉक की वैल्यूएशन हाई होती है। इसके पीछे कारण ये है कि एक बार जब ग्रोथ स्टॉक डिस्कवर हो जाता है, उस डिस्कवरी के बाद पूरे मार्केट का एक इंटरेस्ट रहता है, और उस मार्केट इंटरेस्ट के कारण जो उसकी बेसिक वैल्यू होती है, उससे हायर वैल्यूएशन पे ही चल रहा होता है। मगर इससे हम बिल्कुल भी ऐसा कंफ्यूजन ना रखें कि कोई भी रैंडम स्टॉक अगर एक प्राइस इंक्रीमेंट में चला जाए तो वो ग्रोथ स्टॉक बन जाता है। नहीं, आपको बिजनेस को तो स्टडी करना ही होगा, बट हाँ ये भी मान के चलना है कि ग्रोथ स्टॉक रिलेटिवली हायर वैल्यूएशन पे मिलता है। इसकी वैल्यूएशन में आप देखें तो जो हम कुछ रेशियोस की बात करते हैं, जो हम बहुत अपनी डेली लाइफ में बात करते हैं, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो भी 1 या 1 से हायर साइड होता है, जो पीईजी रेशियो होता है वो भी हायर साइड होता है, और ये वो कंपनीज होती है जो मैसिव पोटेंशियल रखती है फॉर ग्रोथ। इसके लिए आप ऐसे समझें कि ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे बड़ा एक बेसिक कारण होता है फॉरेन इन्वेस्टर, एक तो होता है कैपिटल गेन कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उससे आपको डिविडेंड वगैरह इतना ना मिले, बट आपका पैसा भरे इन दैट स्टॉक, तो वो कैपिटल गेन जो है वो एक बेसिक कारण बन जाता है आपका फॉर इन्वेस्टमेंट।
एक और चीज मानी जाती है कि ग्रोथ स्टॉक जो होता है इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लेशन बीटर। अभी जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप, टू सम एक्सटेंट इंडिया भी बात कर रहे हैं कि साहब ये फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये तो क्या ही है, इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया है, रिटर्न क्या मिल रहा है। बट दीज ग्रोथ स्टॉक्स आर वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग टूल्स जो आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करके एक अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं। सो ग्रोथ स्टॉक्स बेसिक है वो स्टॉक्स जो कैपिटल एप्रिसिएशन के काम में आते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनीज के होते हैं, रिलेटिवली हायर वैल्यूएशन, बट अगर आपने एनालिसिस अच्छा कर रखा है तो इवेंचुअली आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देके जाते हैं। जी रचित जी जी सर, तो ग्रोथ स्टॉक के बारे में आपने बखूबी बहुत ही उम्दा तरीके से बताया सर, तो बाकी वैल्यू स्टॉक क्या होता है रचित जी? अब देखिए हम बात करते हैं वैल्यू स्टॉक। अब जैसे कि ग्रोथ स्टॉक में हम ऐसे कनेक्शन बैठा सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ कैपिटल वाले होते हैं ग्रोथ स्टॉक। अब हम वैल्यू स्टॉक की बात करते हैं तो अंकुर जी इसको ऐसे समझें कि वैल्यू हमको कब किसी चीज की लगती है, जब वो अपनी एक्चुअल प्राइस से नीचे मिल रहा हो या उसके जो फीचर्स हैं। हम यूजुअली बात करते हैं कि साहब ये तो वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, ये वैल्यू फॉर मनी फोन है, इस सब फीचर्स के साथ अगर आप देखें तो मार्केट में बहुत ऊपर की दाम पे चीजें मिल रही हैं, बट ये वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इसका दाम नीचे है। अब इसको हम ऐसे समझें तो वैल्यू स्टॉक यूजुअली वो कंपनीज होती हैं जो अपने परफॉर्मेंस के बावजूद, जो कंपनीज अपने अच्छे डिविडेंड पेमेंट्स देने के बावजूद, अच्छे अर्निंग्स करने के बावजूद, वो कंपनियां कई कई कारणों से एक डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रही होती। वैल्यू स्टॉक की हंटिंग अगर आपको करनी हो तो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आप देखें ईयर 2021 से 22 मिड तक एक बहुत बड़ा वैल्यू स्टॉक था जिसके लिए सब लोग मजाक बनाने लग गए थे, उसके मेम्स बनने लग गए थे और लोग बोलते थे अरे साहब ये तो 200 से 212 की रेंज का स्टॉक है, इसका कभी कुछ नहीं होने वाला, निफ्टी कहीं भी जाए, सेंसेक्स कहीं भी जाए यही बैठेगा। But people who were making names, but they were other side of the industry people, other side of institutions, जिनको confidence था कि ये company एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा performance करेगी। And अंकुश जी जिस company के बारे में बात कर रहा हूँ आपकी हंसी से मुझे समझ में आ गया कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। And आज आप देखिए market इतना weak हो रहा है, but हफ्ते में चार दिन हम बोलते हैं कि सब ITC खरीद लीजिए, ITC में कोई परेशानी नहीं है। And today, it is standing next to the double the price जो 2021 और 22 में आपने देखा जब इंडेक्स परफॉर्म किए वो परफॉर्म नहीं किया। तो इस एग्जाम्पल को मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे थे, कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही थी, कंपनी की वर्किंग अच्छी थी, लोगों को उसमें कॉन्फिडेंस तो था मगर कहीं ना कहीं कुछ कारण से वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन से नीचे था, तो वो बन गया एक वैल्यू स्टॉक। अब अगर हम वैल्यू स्टॉक की हंटिंग करने जाएं, तो उसमें हमें ये समझना होगा कि वो कंपनीज जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिनका सेक्टर अच्छा है, जिनकी गवर्नमेंट से एक फेवरेबल पूरी सिचुएशन भी डेवलप हो रखी है, अगर वो कंपनीज नहीं परफॉर्म कर रही है तो उन पर्टिकुलर स्टॉक को फॉर फ्यूचर मूवमेंट अगर हम खरीदते हैं तो ये एक वैल्यू स्टॉक इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसके भी कुछ एक पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि एक तो आप देखें कि वो अपनी जो एक नॉर्मल इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो फंडामेंटल एनालिसिस से निकाली जाती है, जो कंपनी की वर्किंग, कंपनी की जो कैपिटल है, कंपनी के जो लाइबिलिटीज हैं, उनका पूरा एक कैलकुलेशन करके जो वैल्यूएशन निकाली जाती है उस वैल्यूएशन से भी नीचे वो ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे हमने ये देखा था कि ग्रोथ स्टॉक में जब हम पीई रेशियोज की बात कर रहे थे तो 1 या 1 से अबव होते हैं, वही ग्रोथ स्टॉक में हम बात करें तो वो रेशियोज थोड़े से नीचे साइड में आ जाते हैं और वो ये डिफाइन करता है कि कंपनी की वर्किंग बहुत अच्छी है, कंपनी के स्टॉक की अर्निंग बहुत अच्छी है बट वैल्यूएशन नीचे है। तो यूजुअली ऐसे स्टॉक्स को अगर हम देखें तो हम एक वैल्यू स्टॉक बोलते हैं। और एक और चीज, ग्रोथ स्टॉक में मैंने आपको बताया था जो डिविडेंड पे ऑफ्स हैं वो ना करके वो री इन्वेस्ट करती हैं, बट वैल्यू स्टॉक्स जो होते हैं उसमें आप देखेंगे यूजुअली कंपनी जो है वो डिविडेंड के पे ऑफ्स भी बहुत अच्छे कर रही होती है क्योंकि उनका खुद का कैपिटल स्ट्रक्चर, उनका खुद का वर्किंग और साइज इतना बड़ा हो गया होता है कि उनको वो डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं। इसके अलावा आप देखें
ग्रोथ वैल्यू स्टॉक को आप समझने के लिए एक और चीज देखिएगा कि ये वो कंपनीज होती हैं जिनका फ्री कैश फ्लो बहुत ज्यादा होता है, जो आपको ग्रोथ स्टॉक पे इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक की कंपनी ग्रोथ रजिस्टर करने के प्लेटफॉर्म पे जा रही होती है और वैल्यू स्टॉक एक सब्सटेंशियल साइज लेके बैठे होते हैं, तो ये फ्री कैश फ्लो भी उनके जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और फ्री कैश फ्लो अगर आप बेसिक भाषा में समझे, बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझे, तो अपना पूरा वर्किंग कैपिटल का पे ऑफ करने के बाद भी इनके पास पैसा रहता है और वो इनको आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, अपने कैपेक्स और आगे वर्किंग को बढ़ाने के लिए एक बहुत कारगर चीज साबित होती है। तो ऐसे कैश रिच कंपनीज, ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनीज अगर अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन से नीचे मिलती है तो उसको हम वैल्यू स्टॉक का एक नाम देते हैं और वैल्यू स्टॉक का इन्वेस्टमेंट वो उस तरीके से किया जाता है। ओके, सो रचित जी आपने बखूबी बहुत ही डिटेल में हमारी ऑडियंस के लिए समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली एक ग्रोथ स्टॉक क्या हो सकता है और एक वैल्यू स्टॉक क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से वॉरेन बफे साहब ने भी जब उनकी जर्नी, इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, तो उन्होंने पहले अपना पहले माध्यम यही रखा था कि बेंजामिन ग्राहम साहब को, बेंजामिन साहब को फॉलो करें, उनकी 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 हर एक चीजों को फॉलो करके उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की जर्नी को उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। उसके बाद उन्होंने अपनी बहुत सारी स्टडी करी, उसके बेसिस पे उन्होंने साथ ही साथ ग्रोथ इन्वेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया और उस बेसिस पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग करनी स्टार्ट करी थी। तो रचित जी, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग तो काफी अच्छे से ऑडियंस को समझ में आ गई होगी। मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा भी कोई और इसे बहुत बेहतर तरीके से समझा सकता था। मैं सिर्फ एक अपने तरफ से एक चीज जोड़ना चाहूंगा अपनी ऑडियंस के लिए कि बेसिकली जो रचित जी ने समझाने की कोशिश की है, वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी इन्वेस्टिंग होगी कि भाई जो भी प्राइस पे स्टॉक चल रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू बुक वैल्यू के हिसाब से या उसकी एक्चुअल वैल्यू जो भी वैल्यूएशन पैरामीटर के बेसिस पे निकाल सकता है कोई, उससे कम से कम निकले, मतलब कि वो एक अंडर प्राइस चल रहा है या अंडर वैल्यूड चल रहा है मार्केट में, सो डेट आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है खरीदने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली चीज तो काफी कारगर साबित होगी अभी के टाइम में हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से रिसेशन की बातें हो रही है तो इस समय वैल्यू इन्वेस्टिंग को अप्लाई करना सबसे अच्छा समय होता है। मेरा मानना ये है रचित जी, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अंकुश जी, हमेशा की तरह जो मैं बातें दर्शकों के समक्ष रखता हूँ, आप इसको समराइज करके और एक लाइन में पूरा जो प्रॉपरली समझा देते हैं, आपने बिल्कुल वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए भी वही किया। और हाँ, ये बात बहुत जरूरी है कि करंट मार्केट सिनेरियो में अगर हम देखें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक बहुत ही सेफ और एक बहुत ही जुडिशियस डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ये वो कंपनीज है जो बहुत रिस्क कम है, जिनका वैल्यूएशन लो है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, और जैसे ही मार्केट कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देने के लिए कारगर हो जाएगी। बिकॉज कैश इज किंग। सर्टेनली जी। तो रचित जी, मतलब इतना बखूबी आपने दोनों टॉपिक के बारे में हमारी ऑडियंस के लिए डिटेल बताई है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि इसके बाहर किसी भी ऑडियंस को जाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि भाई क्या फैक्टर हो सकते हैं जो एक स्टॉक प्राइस को कम या ज्यादा करने की खूबत रखते हैं, और दूसरी चीज वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होता है, क्योंकि ये समझना एक इन्वेस्टर के लिए, एक ट्रेडर के लिए काफी जरूरी है। क्योंकि हर किसी को स्टॉक मार्केट में आने के बाद ये पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक है जो ग्रोथ स्टोरी में चल रहा है और कौन सा स्टॉक है जो उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है फॉर लॉन्ग टर्म हॉरिजन। तो रचित जी, आपने काफी बेहतर और काफी क्लैरिटी के साथ आज हमारी ऑडियंस के लिए समझा चुके हैं कि बेसिकली ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब मेरे ख्याल से मेरी जितनी भी ऑडियंस है अपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म में, तो वो हर ऑडियंस का सवाल यही होगा कि भाई मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग तो सीख गया, इसके आधार पे मुझे मेरा पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, मतलब क्या एक मापदंड होने चाहिए जिस बेसिस में मैं अपना स्टॉक की इन्वेस्टिंग करने के लिए पोर्टफोलियो तैयार करूं और एक अच्छा मिश्रण बना के अच्छा खासा रिटर्न कराने की कोशिश करूं, क्योंकि सामने रिसेशन दिख रहा है, हर रिटेलर हर इन्वेस्टर डरा हुआ है, उसे क्या करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण पहलू में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा रचित जी। देखिए अंकुश जी, पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो को बनाना, उसको समझना, उसके लिए माफी चाहूंगा, ये थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक हो जाता है टू कवर, तो अपन इसके लिए एक काम करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, ताकि पोर्टफोलियो को एक सही ढंग से समझा जाए और कैसे बनाया जाता है और उसके क्या काम होते हैं, वो अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट के एपिसोड में दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत कर पाए।
तो रजत जी, मतलब पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा था कि मैं आगे के टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूँ, इस पॉडकास्ट में तो कुछ अलग ही हो रहा है रजत जी। मतलब इस बार आप कह रहे हैं, लोगों को एक क्यूरियोसिटी डाल दे रहे हैं कि भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन्हें पूरी पोटली मिलने वाली है कि भाई कैसे उन्हें एक पोर्टफोलियो अपना बनाना है, और रिसेशन प्रूफ या रिसेशन की कंडीशन अगर आ भी रही है तो उसे इंडिया अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं वो एक अच्छे स्टॉक का कॉम्बिनेशन बना के। चलिए रचित जी, आपका समय लेना तो काफी मुश्किल होता है, हमारी टीम हमेशा आपके पीछे लगी हुई रहती है, और आपकी तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं थी बीच में, तो मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि आपके लिए अच्छा खासा बोले कि भाई आपकी तबीयत हमेशा अच्छी रहे और आप ऐसे ही भरपूर अच्छे से अच्छा कंटेंट हम सभी के लिए लेके आते रहे। तो रचित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और अच्छा अच्छा प्यार देते रहें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले रजित जी के साथ और ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, ताकि हमेशा सीखते रहें, समझते रहें, सोचते रहें और उसे अप्लाई करते रहें हमारी ऑडियंस। थैंक यू सो मच रजित जी, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू अंकुश जी, द प्लेजर इज ऑल माइन, और हमेशा की तरह देखिए आप मेरा नाम लेते हैं, बट रियलिटी ये होती है कि पूरा का पूरा स्ट्रीम आपका होता है, प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही होती है, मैं तो बस उस फ्लो में चलता जाता हूँ आपके साथ साथ, दिशा पूरा निर्देश आपका रहता है, तो आई एम प्रीटी श्योर ऐसा चलता रहेगा, तो हम नया कंटेंट और अच्छा कंटेंट अपने दर्शकों के पास जरूर लेकर आते रहेंगे, और उसके लिए आपका सहयोग आई एम प्रीटी श्योर बना रहेगा, तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.